तीन फैक्टर्स होते हैं मेन गाड़ी के अंदर चेक करने के। फर्स्ट, सामने वाले को भी इरिटेट नहीं करना है, छोटी मोटी सब्जी नहीं है, ठीक है सड़ा निकल गया तो हो जाएगा। अक्सर कई जगह मीटर बैक होते हैं और ये खुली चीज चेंज होगा, जिसकी कॉस्ट 35,000। रेव कीजिए, एक्सलेट कीजिए, आवाज सुनाई क्या देगी, फील होगी आपको। गियर शिफ्ट करते समय आप देखिए आपका क्लच ये इस तरह से, स्टीयरिंग को हल्का सा मूवमेंट देना है, बहुत गड्ढे में ले जाइए लेकिन थोड़ी सी तमीज से। टायर को हिला के देख सकते हैं कि जब गाड़ी अपने टेम्परेचर में आती है, बिल्कुल उस गाड़ी को छोड़ दीजिए, उस गाड़ी को लेने की कोई भी कतई जरूरत नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, यूज्ड कार पे जितनी भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैंने बनाई, आप लोगों ने सारी वीडियोस को पसंद किया और उससे फायदा भी उठाया। मैंने जितने भी टिप्स दिए आपको, बॉडी को कैसे चेक करना है, एक्सीडेंटल कार है कैसे चेक करना है, इंजन कैसा है वो कैसे चेक करेंगे, गाड़ी के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, एवरीथिंग, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो रह गई थी वो थी कार की रोड टेस्ट। टेस्ट ड्राइव में आप कैसे पता लगा पाएंगे इसके अंदर मेजर फॉल्ट है या फिर कोई छोटा सा फॉल्ट है। कई बार ऐसा होता है, लोग कहते हैं साहब 100 रुपये का ही सिर्फ काम है, हो जाएगा, आगे चल के वो गले का सांप बन जाता है। ऐसा ना हो, बस यही चीजें बताने के लिए आज मैं आ गया हूँ गुड़गांव सेक्टर 29 ट्रिलियम मॉल कार एंड बाइक के शोरूम पे। टेस्ट ड्राइव लेंगे और बहुत सारी चीजें और इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। अभी फ्रेम में आपको दिख रही है ये हुंडई क्रेटा, ऑटोमेटिक है, 2016 मॉडल है। गाड़ी देखने में बहुत अच्छी दिख रही है, चमक रही है, फर्स्ट क्लास है। पेंट कैसे चेक करना है सारी चीज़ें बताई मैंने, टायर कंडीशन, शॉकर की कंडीशन और साथ में एक्सीडेंटल तो नहीं है, पिलर्स कैसे हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको सब बता चुका। लेकिन आज बारी है इस गाड़ी को रोड पे चलाने की। रोड पे अगर चलाते हैं तो क्या फील आप कर पाएंगे, कैसा महसूस करते हैं, तो क्या प्रॉब्लम गाड़ी के अंदर होगी, कितनी प्रॉब्लम आप ले सकते हो, कितनी प्रॉब्लम गाड़ी को बिल्कुल मत लो, छोड़ देना। तीन फैक्टर्स होते हैं मेन गाड़ी के अंदर चेक करने के, फर्स्ट इंजन, सेकेंड गेयरबॉक्स, थर्ड सस्पेंशन, उसके बाद एक बार चाहो तो स्टेयरिंग का वो सब चेक कर सकते हो। लेकिन ये सस्पेंशन और स्टेयरिंग वाली चीज़ें हैं, कोई बड़ी चीज़ें नहीं होती, हो जाती हैं, लेकिन इंजन और गेयरबॉक्स मेजर चीज़ें हैं चेक करना। मैं हर एक चीज़ को बताऊंगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। साथ में कैफ सर हैं, कैफ सर को लास्ट वीडियो में भी आपने देखा होगा, और कैफ सर आज कार को ड्राइव करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको ड्राइव करके पता लगाना है कि प्रॉब्लम कहाँ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाड़ी के अंदर। गाड़ी के जब टेस्ट ड्राइव लेते हो तो कोशिश करो कि टेस्ट ड्राइव थोड़ी सी लंबी लो, लगभग 5 से 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर मिल जाए तो और अच्छा है। आपको दूसरे सामने वाले को भी इरिटेट नहीं करना है। आप हो सकता है कि कहीं गाड़ी किसी इंडिविजुअल ओनर से ले रहे हो या फिर किसी डीलर से ले रहे हो, उसको आपको पहले ही बताना होगा कि देखो जी मैं इतनी टेस्ट ड्राइव लूंगा, आपका बजट आता है तो ठीक है, नहीं तो मैं एक्स्ट्रा फ्यूल के पैसे दे दूंगा और आप टेस्ट ड्राइव मुझे दो। टेस्ट ड्राइव आपको अच्छे से लेनी है, बिल्कुल भी हिचकिचाना नहीं है। गाड़ी खरीद रहे हो, महंगा सामान खरीद रहे हो, कोई छोटी मोटी सब्जी नहीं है, ठीक है सड़ा निकल गया तो हो जाएगा। गाड़ी खराब निकली तो बड़ी परेशानी होती है, ऐसा लगता है गले में सांप पड़ डाल दिया किसी ने। तो चलिए सब आगे चलते हैं। कैब सर कितनी ड्रिवन है कार ये? ये ड्रिवन है सर 78,000 किलोमीटर्स। अब 78,000 चलने के बाद इस गाड़ी के अंदर कितनी प्रॉब्लम आई, ओरिजिनल 78 चली है या नहीं चली, चली है? अक्सर कई जगह मीटर बैक होते हैं और ये खुली चीज है, हर कोई जानता है। अगर गाड़ी चली है 2 लाख किलोमीटर तो उसको बैक करके दिखा दिया जाता है जी साहब 25,000 किलोमीटर, 50,000 किलोमीटर। तो आपको पहले तो उन चीजों को भी चेक कर लेना है। गाड़ी के जितने भी फंक्शंस होते हैं, मान लीजिए ये सारे सिस्टम है, ऑटो क्लाइमेट एसी है इसके अंदर, आपको ऑटो क्लाइमेट एसी चेक कर लेना है, एसी की कूलिंग कितनी आ रही है वो देख लेनी है, एसी चलते समय गाड़ी कितना लोड ले रही है। कई बार एसी में प्रॉब्लम होती है, एसी ओवरलोड, ज़्यादा लोड ले रहा होता है, वो आपको इंजन में फील होता है हद से ज़्यादा। आपने जैसे ही एसी ऑन किया गाड़ी दब जाती है। अगर ऐसा हो रहा है तो फिर वो एसी की प्रॉब्लम है, वो आपको आगे देखना है। लेकिन जितने भी फंक्शंस हैं, स्विच हो गए, पावर विंडो हो गया, स्टेयरिंग के अंदर कंट्रोल्स हो गए, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। हेडलाइट भी आपको चेक करनी है, लो और हाई। एक आपको टिप्स दे देता हूँ, कई बार गाड़ी के अंदर ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे मान लिया एक हेडलाइट का लो बीम नहीं चल रहा है, आपने ड्राइव ली, बोला सर ये लो बीम नहीं चल रहा है, अरे कोई बात नहीं सर ये 200 रुपये का काम है, हो जाएगा। आप उस काम को नोट कर लीजिए, आगे बताऊंगा क्या करना है। अब आपने सारी चीज़ें नोट की, नोट करने के बाद अब आप जो उसका कैलकुलेशन होगा, ठीक है उन्होंने बताया था 100 रुपये का ये काम है, 200 रुपये का ये काम है, इसमें तो सिर्फ 500 का ये है, ये तो सिर्फ ही कट लगा हुआ है, हो जाएगा। कैलकुलेशन करके एक अमाउंट निकाल लीजिए, सपोज 1,000 रुपये हो गया। डील होने के बाद बोलिए 1,000 रुपये मैं एक्स्ट्रा दूंगा, ये काम आपके एंड में करा के देना। ये हमेशा याद रखिए, ये फैक्टर ये आपके एंड में रहेगा, ये आप करा के देना, जब करा के दोगे तब मैं आपको फुल पेमेंट करूंगा, कुछ पैसे रोक लूंगा। रीज़न बता रहा हूँ, मेरा अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। एक गाड़ी को हम चेक करने गए थे, गाड़ी की पीढ़ियाई की, सब कुछ देखा, गाड़ी के अंदर लो बीम लाइट नहीं आ रही थी, हाई बीम जल रहा था, लो बीम नहीं जल रहा था। उन्होंने बोला साहब ये लो बीम नहीं जल रहा है, थोड़ा सा मुझे डाउट हुआ और जब सही से उसको चेक किया तो पाया ये कि उसका स्मार्ट जंक्शन बॉक्स जो होता है गाड़ी का, और वो गाड़ी भी हुंडई क्रेटा थी,
स्मार्ट जंक्शन बॉक्स खराब है, उसके अंदर खराबी सिर्फ एक फॉल्ट है, एक फॉल्ट से लो बीम नहीं आ रही है, लेकिन उस फॉल्ट को रिपेयर नहीं किया जा सकता, वो पूरा जंक्शन बॉक्स चेंज होगा जिसकी कॉस्ट 35,000 थी। तो मैं इसलिए आपको अवेयर कर रहा हूँ, उन छोटी छोटी चीजों को कवर कर लीजिए और बोलिए कि हम आगे करेंगे। ठीक है जी, सारे फंक्शन आपने चेक कर लिए, गाड़ी को चलाइए, थोड़ा सा आगे रेव कीजिए, एक्सलेट कीजिए, कैप्सर थोड़ा रेव करेंगे, एक्सलेट कीजिए थोड़ी अच्छी स्पीड में। ऑटोमेटिक गाड़ी है जी, बिल्कुल ये बस ऑटोमेटिक गाड़ी भी है, उसमें भी आपको गियर्स की शिफ्टिंग, गियर कब शिफ्ट हो रहे हैं आपको आवाज सुनाई देगी, आवाज सुनाई क्या देगी, फील होगी आपको। दूसरी चीज, अगर मैनुअल कार चला रहे हैं तो गियर शिफ्ट करते समय आप शिफ्टिंग में कितनी नॉइज आ रही है वो देखिए, शिफ्ट करने के बाद हमिंग नॉइज तो कुछ नहीं आ रही है यहाँ साइड से, इस साइड से, अगर इस साइड से कुछ हमिंग नॉइज आपको आ रही है, गियर बॉक्स के अंदर से नॉइज आ रही है। आपको अगर चेक करना है मैनुअल कार को, क्लच दबाते हैं, गियर शिफ्ट करते हैं, गियर शिफ्ट करते समय आप देखिए आपका क्लच कितना ऊपर आके काम कर रहा है या कितना नीचे जाके काम कर रहा है। अगर बहुत नीचे काम कर रहा है, बहुत फुल प्रेस करना पड़ रहा है, तो भी समझ लीजिए क्लच प्लेट का इशू है। बहुत ज़्यादा ऊपर आके काम कर रहा है तब भी समझ लीजिए क्लच प्लेट का इशू है। बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं, बहुत ज़्यादा नीचे नहीं, बीच में आके काम करना चाहिए। क्लच और ब्रेक का पेडल लगभग एक लेवल में रहता है। क्लच सिस्टम हो गया आपका, इंजन चेक करना है आपको, इंजन की परफॉर्मेंस कैसी है। इंजन की परफॉर्मेंस को कोशिश कीजिए कि आप एक चढ़ाई वाले एरिया पे जाएं जहां पे आप इंजन की पावर टेस्ट कर पाएं। इंजन की पावर टेस्ट करेंगे और इसके बाद भी एक प्रोसेस है, फिर आपको फिजिकली वो इंजन भी चेक करना है, वो बताऊंगा। हाई आरपीएम पे भी गाड़ी को चलाइए, जिस तरह की आपकी ड्राइव नहीं है उस पर भी थोड़ा सा करिए, ये इस तरह से। अब इस तरह से अगर हाई आरपीएम में कुछ प्रॉब्लम होगी तो इंजन अलग ही नॉइज दे देगा, वो नॉइज पहचानना शायद आपके लिए मुश्किल हो, लेकिन हाँ जो लोग टेक्निकल फील्ड से हैं उनको एक किटकिटाहट की आवाज़ आ जाती है, अनवांटेड नॉइज होती है, अनवांटेड नॉइज कुछ लोग समझ जाते हैं। अनवांटेड नॉइज आएगी आप समझ जाइए साहब इंजन में कुछ तो है। जब आरपीएम देते हैं रियर मिरर में भी देखिए, आईआरबीएम में देखिए पीछे स्मोक कैसा दिख रहा है आपको, धुआं कैसा है। अगर बहुत ज़्यादा धुआं मार रही है तो फिर भी कुछ प्रॉब्लम है, और ये डिपेंड करता है डीजल और पेट्रोल कार पे। डीजल पे आपको ब्लैक स्मोक जल्दी दिखता है, पेट्रोल पे बाद में दिखता है। अब आता है नंबर स्टीयरिंग एंड सस्पेंशन का। इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा तो ऐसा नहीं होता, लेकिन हाँ आप कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं। सपोज आपको पता चल गया कि यार स्टीयरिंग रैक इसकी प्रॉब्लम कर रही है, और अगर इस क्रेटा की बात करें तो मेरे ख्याल से 20,000 के आसपास की स्टीयरिंग रैक होगी, तो आप वो चीज़ नेगोशिएट कर सकते हो। ऐसा नहीं कि स्टीयरिंग रैक खराब है तो वो गाड़ी खराब हो गई, वो भी नहीं है। हाँ उतने पैसे कम करा सकते हो, और अगर आपको नहीं पता होगा तो फिर वो आपको घर जाके चेंज करानी पड़ेगी। लेकिन हाँ एक चीज़ें होती हैं, मैं देखो कार एंड बाइक पे इससे पहले भी कई बार आ चुका हूँ, मैंने हर गाड़ी का प्राइस किया। अब इस गाड़ी का जो प्राइस है, इस गाड़ी का प्राइस मेरे ख्याल से 8 लाख समथिंग है, कितना है क्या सर? 8,53,000 मॉडल 2016 ऑटोमेटिक गाड़ी SX प्लस वेरिएंट। मैं अगर खुद मार्केट से इसको कंपेयर करूं या फिर OLX से किसी इंडिविजुअल का अगर लेके कंपेयर करूं तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ थोड़े से प्राइस ऊपर है, मुझे भी लगता है थोड़े से प्राइस ऊपर है, लेकिन वो चीज आपकी पूरी हो जाती है। कहाँ? इस गाड़ी पे 2 साल की लोग वारंटी देते हैं। वारंटी वही देगा जिसको अपनी चीज पे भरोसा है, वो वारंटी नहीं देगा जो चाहता है कि बस पैसे किसी तरह मेरे पास आ जाए, गाड़ी चली जाए, फिर वो जाने उसका हाल जाने। तो आपको अगर नॉलेज नहीं है ज्यादा, आप इतने अच्छे से टेस्ट नहीं कर सकते, तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं, यार मैं हो सकता है कहीं फंस जाऊं, या फिर फर्स्ट टाइम कार बायर है, गाड़ी वहीं से लेना जो गाड़ी के ऊपर गारंटी दे रहे हो, और गारंटी देने के साथ भरोसा हो, नाम हो। मैं कार एंड बाइक पे कई बार आया, और जितनी बार भी आया मैंने जो देखा वही पाया। अब आपको सस्पेंशन टेस्ट करना होता है। सस्पेंशन टेस्ट करने के लिए आप गाड़ी को ले आइए कुछ ऐसी रोडों पे, खराब रास्तों पे, जैसे कि अभी हम गाड़ी को लेके आ गए। खराब रास्तों पे गाड़ी को आपको चलाना है, टर्न करना है, और स्टीयरिंग को हल्का सा मूवमेंट देना है। मान लीजिए आप सीधे रास्ते पे हैं, कैप्सर एक बार स्टीयरिंग को इस तरह से मूवमेंट दीजिएगा। हाँ इस तरह से जब आप मूवमेंट देंगे आपकी गाड़ी में बॉडी रोल कितना आ रहा है। अगर इस तरह से मूवमेंट लेने में गाड़ी में बहुत ज़्यादा बॉडी रोल आ रहा है, इट मीन्स कि शॉकर की प्रॉब्लम है। इस तरह से मूवमेंट देने में आपको स्टीयरिंग से नॉइस आ रही है, स्टीयरिंग रैक में थोड़ी भी नॉइस होगी तो आपको इस समय फील हो जाएगी। अभी इस गाड़ी में कोई फील नहीं आई, स्टीयरिंग में कोई किटकी भी आवाज़ नहीं आई। आप ऐसे ऐसे मूव करोगे तो आपको आवाज़ आ जाएगी। प्लस जितने भी जॉइंट्स हैं, अगर किसी जॉइंट्स में भी प्ले होगी, नॉइस होगी, तो वो आपको यहाँ फील हो जाएगी। अगर वो नॉइस आती है आपने सुन ली, ठीक है, नहीं सुन पा रहे हैं वो भी नहीं है। फिजिकली कैसे टेस्ट करना है वो बता देता हूँ। आप गाड़ी आप एक जगह पार्क कर लीजिए, अब आप लगभग गाड़ी चला चुके होंगे 5 से 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर,
इंजन भी एक अपने टेम्परेचर पे आ चुका होगा। अब मैं आपको फिजिकली चेक करना दिखाता हूँ सस्पेंशन और साथ में इंजन भी। गाड़ी को स्टार्ट रहने दीजिए और साथ में ये एडी अंदर बैठा है। एडी को आप लोग जानते ही हैं। सर एक बार स्टीयरिंग टर्न करेंगे, इस तरह से फुल स्टीयरिंग टर्न कर लीजिए गाड़ी का। आपको ये दिख रहा है, ये है स्टीयरिंग लिंक रॉड। टायर को हिला के देख सकते हैं आगे और पीछे, इसमें कोई प्ले नहीं है। अगर कुछ भी प्ले होगी तो आपको ये जॉइंट में दिख जाएगी। और साथ में ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है, ये पीछे दिख रहा है, कैमरा अंदर नहीं जा रहा है, ये है स्टीयरिंग रैक। इसको आप ऐसे धक्का मारेंगे और वो अगर बूट आपको हिलता हुआ दिख रहा है ये वाला, इट मीन्स कि स्टीयरिंग रैक में प्ले है। वैसे स्टीयरिंग रैक की प्ले आपको उस मोमेंट पे भी फील हो जाएगी जो मैंने आपको पहले बताया था। वो फील नहीं आता तो फिर आपको यहाँ फील हो जाएगी। सस्पेंशन के आपको जॉइंट दिख रहे हैं सारे यहाँ पे, ये लगा हुआ है लोअर बॉल जॉइंट। बॉल जॉइंट के ऊपर आप रबर का एक कवर देख रहे होंगे। रबर बूट कटा नहीं होना चाहिए, अगर रबर बूट कटा है तो बहुत जल्दी बॉल जॉइंट खराब हो जाएगा। प्लस एक कॉस्टली आइटम सस्पेंशन का, वो होते हैं शॉक एब्जॉर्बर, वो लगे होते हैं यहाँ पे। शॉकर चेक कर लो आप, रबर बूट दिखेगा आपको, इस रबर बूट को उठा सकते हो। इसको हल्का सा ऊपर करके देख लीजिए, कोई लीकेज नहीं होनी चाहिए, डस्ट चिपकी हुई नहीं होनी चाहिए। अगर लीकेज है, डस्ट चिपकी हुई है, इट मीन्स कि शॉकर जल्दी काम छोड़ देगा, शॉकर लीक हो चुका है। सेम इस तरफ का आपने चेक किया, इसी तरह से इस तरफ का चेक कर लीजिए। ये हो गया फ्रंट सस्पेंशन आपका। रियर में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होता है, रियर में चेक करने का जो मेन पॉइंट होता है वो होते हैं आपके शॉक एब्जॉर्बर शॉकर, जो अभी मैंने आपको बताया। अब आपको मैं दिखाता हूँ इंजन। एक बार इंजन का टेस्ट आपको करना चाहिए नॉर्मल खड़े कंडीशन में, दोबारा करना चाहिए आपको गाड़ी को चलाने के बाद। आपको सबसे पहला काम क्या करना है, इंजन के ब्लो बाई गैसेस चेक करना, मैंने आपको पहले बताया था। कई बार ऐसा भी होता है कि जब गाड़ी अपने टेम्परेचर में आती है तब वो ब्लो बाई गैसेस बढ़ जाती हैं। डिपस्टिक दिख रही है आपको, ये डिपस्टिक को निकाल लीजिए। यहाँ से आपको कोई स्मोक या छींटे आती हुई नहीं दिखनी चाहिए। हाँ, वेग ग्रुप की गाड़ियों में कुछ थोड़ा बहुत आता है, बहुत ज़्यादा नहीं। इसके बाद आप इस गाड़ी को आरपीएम थोड़े से बढ़ाइए, लगभग 2000 तक ले जाइए। 2000 पे कर देना इसको। हाँ, 2000 पे आ गया, गाड़ी में कोई स्मोक भी नहीं दिख रहा है और कोई छींटे भी नहीं आ रही है। इट मीन्स कि इंजन परफेक्ट कंडीशन में। यहाँ से अगर छींटे आ रही हैं या स्मोक आ रहा है ज़्यादा, बिल्कुल उस गाड़ी को छोड़ दीजिए, उस गाड़ी को लेने की कोई भी कतई ज़रूरत नहीं है। दूसरा, जब ये इंजन चल रहा होता है तो ये अल्टरनेटर है, आप ऐसे हाथ नहीं लगाना, बेल्ट बचा के रखना। अल्टरनेटर है, इसके अंदर से कुछ एक्स्ट्रा नॉइज़ तो नहीं आ रही है, हमिंग नॉइज़ तो नहीं आ रही है। ठीक है जी, इंजन बता दिया, सस्पेंशन बता दिया, गियरबॉक्स बता दिया, मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट चीज़ें मैंने आपको बता दी जो टेस्ट ड्राइव में ज़रूरी होती हैं। सस्पेंशन चेक करने के लिए गाड़ी को थोड़ा बहुत गड्ढे में ले जाइए, लेकिन थोड़ी सी तमीज़ से, क्योंकि गाड़ी आपकी, अब आप सिर्फ लेने आए हो, बेचने वाले की गाड़ी है, उसके दिल के नज़दीक है, थोड़ा सा हिसाब से उसको टेस्ट कीजिए। ऐसा नहीं कि गाड़ी ले ली तो आप उसको कुदाते फिर रहे हो, आप सामने वाला भगा देगा। जब आप गाड़ी को एक सडन स्पीड में चला रहे हो उस टाइम पे आपको चेक करना है हमिंग नॉइज़ तो नहीं आ रही है। अगर आपको हमिंग नॉइज़ आ रही है जो स्पीड के साथ बढ़ रही है और स्पीड के साथ घट रही है, तो आप समझ लीजिए आपकी गाड़ी जो आप टेस्ट कर रहे हो उसके व्हील बेयरिंग्स के अंदर प्रॉब्लम है। और वैसे ही हमिंग नॉइज़ अगर आरपीएम के साथ बढ़ रही है, इंजन के आरपीएम के साथ बढ़ रही है और इंजन के आरपीएम के साथ घट रही है, तो फिर आप समझ लीजिए आपके एसी के पुली में या फिर अल्टरनेटर के पुली में या फिर मेन बेयरिंग में किसी भी एक में नॉइस है, जिसकी वजह से ये आपको हमिंग साउंड आ रही है। एक क्वेश्चन होता है कुछ लोगों का, हाँ, कि समटाइम्स रेव करते हैं, एक्सेलरेट करते हैं कार को, तो उनको लगता है कि कार में कुछ प्रॉब्लम है, तो वो आवाज ज्यादा कर रही है। अच्छा, तो वो कुछ एक कस्टमर्स का डाउट होता है, तो वो भी एक बार क्लियर कर दीजिए। क्योंकि रीजन भी ना, जैसे वो तेज चलाते हैं, सपोज 1000 आरपीएम पे तो कोई आवाज नहीं करती है कार, बिल्कुल ही नॉमिनल आवाज आती है, और वहीं उसको रेव करते हैं तो ये इस आवाज को कहते हैं कि गाड़ी में कुछ इशू है। अच्छा, देखिए जी, हाँ, ये भी क्लियर करना जरूरी है। जो टेक्निकल फील्ड से हैं वो तो बहुत इजीली समझते हैं, लेकिन जो नए लोग देख रहे होंगे वो थोड़ा सा समझें। अगर इंजन को आप आरपीएम दे रहे हैं तो आवाज़ बढ़ रही है, तो उसको भी थोड़ा समझ लीजिए, वो आवाज़ नेचुरल है, वो तो बढ़ेगी, इंजन जितने आरपीएम पे जाएगा उतनी ज़्यादा आवाज़ करेगा, लेकिन वो आवाज़ अनवांटेड नॉइस नहीं होगी, यानी कि कुछ अलग खड़ 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 वैसी नॉइस नहीं होगी, ये इंजन की नॉइस है। बिल्कुल, ये देखिए, ये 6000 आरपीएम तक गए। और जिस गाड़ी के इंजन के अंदर प्रॉब्लम होगी ना, वो गाड़ी 5000-6000 आरपीएम जाने तक आपको कुछ ना कुछ असर दिखा देगी, गाड़ी ओवरहीट हो जाएगी। गाड़ी जब आप चेक कर रहे हो, टेस्ट ड्राइव कर रहे हो, टेस्ट ड्राइव करते समय आप टेम्परेचर पे बिल्कुल नज़र बनाए रखो, टेम्परेचर का जो मीटर होता है, गाड़ी ओवरहीट तो नहीं हो रही है, ये दिख रहा है मीटर, इस मीटर को सेंटर में रहना चाहिए, बीच में रहना चाहिए, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, एच तक नहीं जाना चाहिए। अगर एच तक चला जा रहा है तो बिल्कुल छोड़ दीजिए गाड़ी को,
सेंटर में आ रहा है, बिल्कुल परफेक्ट है। अभी हमने इस गाड़ी को कितना रेव किया है, 5000 RPM पे, 6000 RPM पे, सब कुछ किया, लेकिन बिल्कुल वहीं पे इसका टेम्परेचर रुका हुआ है। गाड़ी के अंदर ओवरहीटिंग का इशू नहीं है। ओवरहीटिंग का इशू बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर गाड़ी में एक बार आ गया तो वो जल्दी जाता नहीं है, गले का सांप बन जाता है। उम्मीद है बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको इस वीडियो में दे दी, शायद वो आपके काम आए। और हाँ, सुपर स्टोर पे खड़ी हैं यहाँ पे 100 से भी ज़्यादा गाड़ियाँ जो इसी तरह की कड़ी टेस्टिंग से गुजरी हैं, और इसके बाद भी 2 साल की वारंटी ये लोग देते हैं महिंद्रा की तरफ से। कुछ भी इशू आता है तो ये लोग आपको रिसॉल्व करके देते हैं। नेगोशिएशन यहाँ नहीं होता, फिक्स प्राइस होता है। प्राइस आपको कहाँ मिलेंगे, वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, एक बार लिंक देखेंगे आपको यहाँ खड़ी हुई सारी गाड़ियाँ मिल जाएंगी। अपने हिसाब से कार सेलेक्ट कर सकते हैं, ऐड टू कार्ट कर सकते हैं, और बीच बीच में इनके कई सारे ऑफर आते हैं, उन ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। फिलहाल अभी जो ऑफर चल रहा है यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे किसी कार की डील करते हैं, एक स्मार्ट वॉच आपको फ्री मिलती है। फिलहाल आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं। वीडियो में अगर कुछ बताने से रह गया हो, मन में कोई भी सवाल हो, जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। गाड़ी नई लें या पुरानी, PDI बहुत ज़रूरी है। अकेले हैं, साथ में किसी को लेके जाइए, तसल्ली से गाड़ी को चेक कीजिए। और अगर चाहते हैं कि आसपास के हैं और मैं आपकी कार की PDI करूं, तो उसके लिए आप मुझे मेल कर सकते हैं। और अब मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।